गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू मैम। गुड मैम? आफ्टरनून। फाइन मैम, थैंक यू। अबाउट अबाउट यू? यू? फाइन मैम, व्हाट अबाउट? आई एम फाइन मैम बेटा, गुड आफ्टरनून। आई एम फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? थैंक आई एम फाइन। वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। यू मैम। सभी लोग पिछले सेशन में जादुई संदूक का एक्सरसाइज बुक बी में कंप्लीट कर रहे थे, उससे आगे का आज करना है। ठीक है सभी लोग? दिखने लगा सभी को? यस मैम, यस। चलिए सभी लोग बताएंगे, ये वाला सबका कंप्लीट हो गया है, ये वाला पेज? यस मैम। चलिए ये कंप्लीट हो गया है, इसको इसको दूसरा पेज देखते हैं। चलिए चित्र, इसका ये वाला कंप्लीट हुआ था? यस मैम, कंप्लीट हो गया। अब हमें इस मैम कंप्लीट इस पे आना है। सभी लोग इसको ओपन करेंगे। जादुई कहानी, जादुई संदूक कहानी को उल्टे क्रम में अपने शब्दों में लिखे। आप लोगों ने कहानी को पढ़ा है ना? Yes, तो कहानी का अंत कैसे होता है पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे। चलिए सभी लोग राइट कीजिए। सी डब्ल्यू डालिए, सी डब्ल्यू डालिए, डेट डालिए। चलिए कहानी के अंत में क्या होगा? परी अभी बता देंगे। अभी कहानी के अंत में क्या हुआ था बेटा? मेरे को दिख नहीं रहा था अभी। अभी आप बताइए, हम लोग अपना माइक बंद रखेंगे, माइक ऑन नहीं आना चाहिए। माइक बंद को ऑन करके बात कर रहे हैं। कंचन माइक बंद रखो। वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। वीडियो ना नहीं बंद करना है किसी को। अगर किसी का वीडियो बंद दिखा तो उसको क्लास में स्क्रीन में मेरा वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। इसका नहीं हो रहा है असली तो है। चलिए अभी बेटा सुनाइए आप कहानी के अंत में क्या हुआ था। सुनाइए, आप खड़े क्यों हो अभी? सुनाओ। अभी सुनाइए आप। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। मैम आपकी बात नहीं आ रही। अच्छा ये सुनाइए अभी। मैम मैम मुझे एक संदूक मैम में ताला लगा था, मैम अपने पापा
मैम चाबी मांगने गई, मैम वो चाबी लेके आई, मैम ताला खुल गया लेकिन संदूक नहीं खुला था। अभी स्टॉप, कहानी की शुरुआत नहीं है, पहले आपको अंत बताना है ना। कहानी का आरंभ आप बता रहे हैं, कहानी का आरंभ इसमें आपको लिखना है, यहाँ कहानी को उल्टे क्रम में लिखना है, कहानी का अंत पहले लिखा जाएगा। लास्ट में क्या हुआ था, सबसे लास्ट में कहानी है। मैम क्या राइट करेंगे? रंग बिरंगे संदूक में मैम ने रंग बिरंगे खिल। बेटा आपकी आवाज कट रही है, सही से बताइए। अभी आपकी आवाज फंस रही बेटा, माइक के पास आके बोलिए। खिलौने मिले मैम उन्हें संदूक में रंग बिरंगे खिलौने मिले जब उन्होंने संदूक खोला। हाँ रमा आप बताइए कहानी के अंत में क्या हुआ था। मैम हम हाँ रमा 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 खुशी आप बताइए कहानी के अंत में क्या हुआ था। मैम कहानी के अंत में मैम उन लोगों का एक संदूक मिली थी, मैम वो संदूक खोल रहे थे मैम, तब रंग बिरंगे खिलौने मिले थे। बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा, यही सब लोग राइट कीजिए। चलिए कहानी के अंत में सभी लोग राइट कीजिए यहाँ जल्दी से। कहानी के अंत में ईरा और अनंत को जादुई संदूक मिली थी और उस संदूक के अंदर रंग बिरंगे खिलौने मिले थे। राइट कीजिए कहानी के अंत में खिलौने। सभी लोग राइट कर रहे हैं ना? यस मैम। यस राइट कीजिए राइट कीजिए मैम। कंप्लीट मैम कंप्लीट। सरयान दृष्टि अमन गुप्ता आप भी कंप्लीट कीजिए। परी आपका कंप्लीट हुआ बेटा? परी आप बैठी कैसे हो बेटा? मोबाइल को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, आपका फेस दिखने लगे। वेदांत आलोक कुशाल वीडियो ऑन कीजिए। राज परी क्या राय किया कहानी के अंत में? परी दृष्टि आप बताइए। मैम डन दृष्टि आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? दृष्टि
यस मैम। कहानी के अंत में क्या हुआ था? मैम मैं आइडन मैम कहानी के अंत में मैम को एक मैम बॉक्स मिला था मैम, उसमें मैम सतरंगी खिलौने निकले थे। बहुत अच्छा, सभी लोग ऐड कर रहे हो इसी को, ऐड कीजिए जल्दी। मैम बर्थडे मध्य में अलमारी के अंदर एक संदूक मिला, उन्होंने संदूक खोला और उसे अंदर एक और संदूक मिला मैम, और उसमें से सतरंगी खिलौने मिले। बहुत अच्छा बेटा, चलिए अब कहानी का मध्य अंत सब लोग लिख चुके? यस मैम। चलिए कहानी के मध्य में क्या होता है? बीच में, मध्य का मतलब होता है बीच में, कहानी का बीच में क्या होता है? अच्छा बेटा कहानी का आरंभ करते हैं, चलिए आरंभ से करोगे तो आप लोग की समझ में आ जाएगी। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? मैं कहानी को आलो आलो वीडियो ऑन कीजिए। यस मैम। कहानी की शुरुआत कैसे होती है बेटा? मैम मेरा फोन है। कहानी की शुरुआत आलोक बताएंगे, बाकी लोग 15 कुमारी। मैम फिर से बताइए कहानी की, कहानी का आरंभ लेकिन देख रहे हो ना, इसमें कहानी स्टार्ट कैसे होती है उसको लिखना है। कंचन यस मैम। मैम फिर से बताइए, मैम आवाज नहीं आ रही। मैम कहानी का साधन बताइए। आप लोग खुद से लिखोगे ना, कहानी पढ़े हो तो हमको बताना कि आपने शब्दों में लिखी है कहानी। मैम आरंभ में क्या होता है? आरंभ का बेटा आरंभ का मैम कहानी में आरंभ लिखा शुरुआत बदल जैसे हो गया था। मैम अंतर और ईरा अपने मैम अंतर और ईरा अपने माँ पापा के साथ मैम जयपुर रहने गए थे। मैम उनका उनके पापा का तबादला हो गया था। बहुत अच्छा बेटा, यही होगा कहानी का आरंभ, यानी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है, उसको यहाँ लिखना है। तो शुरुआत होती है अनंत और ईरा के माँ ईरा के पापा का तबादला, दिल्ली से जयपुर हो गया था, वहां उन्हें रहना था, है ना, वहां उन्हें बड़ी सी हवेली में रहना, वहां वो लोग अकेला महसूस कर रहे थे, है ना। तबला कैसे लिखते हैं? तबला का स्पेलिंग पता है? बाबा बुक में देखते हैं लास्ट वाले में। हाँ लास्ट वाले में देखिए बेटा, जो लास्ट है उसमें कहानी स्टार्ट करना है आपको, उल्टा क्रम दिया गया है, इसलिए हमने पहले लास्ट में ही आपका शुरुआत किया है, क्योंकि शुरुआत जहाँ से होती वहां अंत कर दिया गया, जहाँ अंत होता है वहां शुरुआत कर दिया गया, इसलिए आप लोग कहानी की शुरुआत पहले लिखती है, कहानी का आरंभ जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है उस पैसेज को यहाँ राइट करना है, सोच अपने शब्दों में उस पैसेज को अपने शब्दों में यहाँ राइट करना है। खुशी समझ में आई? Yes, मैम समझ में आया।
क्या लिखोगी मैम? मम्मी रे अलमारी में, अलमारी के अंदर एक और एक और अलमारी दरवाजा और उसमें एक संदूक थी मैम। उन्होंने एक संदूक खोला तो उसके अंदर एक और संदूक था, तो मैं संदूक खोला तो मैम वो संदूक। चलिए सभी लोग राइट कर लीजिए। कहानी की शुरुआत लिखना है, अंदर संदूक वाली बातें यहाँ बिल्कुल नहीं लिखनी है, संदूक का जिक्र नहीं करना है यहाँ। आ रही है समझ में परी श्रेयान? यहाँ पे केवल दिखाना है अनंत और रिया के पापा का तबादला दिल्ली से जयपुर हो गया था, वहां उन्हें बड़ी सी दिल्ली में रहना था जहां पर वो अपने दोस्तों को याद कर रहे थे। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। मैम मेरा डन हो गया। मैम डन, मैम डन। जी सभी लोग डन कर लीजिए। राइट किए बेटा? आलो कंप्लीट हुआ? आलो मैम लिख रहे हैं, मैम लिख रहे हैं। जल्दी कीजिए तो कहानी का मत लिखवाएं। मत का मतलब होता है बीच, बीच में कहानी के बीच में क्या हुआ था, स्टार्ट में क्या हुआ था यहाँ लिखिए, अंत में क्या हुआ था यहाँ लिखिए, और बीच में क्या हुआ था इसको यहाँ लिखना है। कंचन माइक तुम्हारा बंद क्यों नहीं है? हाँ चलिए अब सभी लोग मध्य का राइट कीजिए। खुशी, खुशाल मध्य में क्या होता है बेटा, कोई बताए? बीच में कहानी के बीच में क्या हुआ था? मैम कहानी के बीच में हुआ, मैम कहानी के बीच में हुआ था मैम, मैम मैम कमरे में एक अलमारी थी मैम, उसी में ईरा बैठ गई थी। चलिए आलोक आप बताइए कहानी के बीच में क्या हुआ था? कमरे में एक अलमारी थी मैम, उसी में ईरा बैठ गई थी मैम, फिर अंदर भी उसमें मैम बैठ गया था मैम, फिर वहां पे मैम एक बॉक्स मिला था, मैं बॉक्स खोला मैम, उसमें से एक और बॉक्स निकला। बस कीजिए, बॉक्स का जिक्र यहाँ नहीं करना है, बॉक्स का जिक्र आप लोगों ने अंतिम में कर दिया। ठीक है, तो आपको यही लिखना है जो मध्य में ईरा और अनंत एक कमरे में गए, वहां पे उन्हें अलमारी है ना, कमरे में अलमारी थी
जब उन्होंने उसके दरवाजे को खोलना चाहा तो बहुत ही तेज आवाज आई थी ना, हाँ, और उसमें वो फंस गए थे, या जाके अलमारी में बैठ नहीं गई थी, उस चीज को यहाँ लिखना है। मैम और मैम जब मैम आनंद और मीरा बैठे तो मैम अलमारी की दरवाजा बंद, मैम तब अलमारी की जब मैम सॉरी जब करना हाँ तो इसी को राइट करना है, इसी चीज को यहाँ राइट करना है। कमरे में मीरा को एक अलमारी दिखाई दी, जाके झट से अलमारी बंद हो गई, अलमारी में बैठ और अलमारी जैसे ही वो बैठी वैसे ही अलमारी का जो है फाटक अलमारी में मैम आवाज गूंज मैम अलमारी का एक फाटक ही बंद हो गई। वैसे ही एक गूंज आई और आवाज अलमारी में बंद हो गई। चलिए इसको राइट कीजिए आप लोग। अभी बताइए क्या हुआ था अभी 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 खुशी आप खुशी राइट कीजिए, सभी लोग राइट कीजिए। अभी माइक ऑन करके बताइए बीच में क्या हुआ था। अलमारी में बैठ गई थी, अलमारी बंद हो गई, भारी गूंज। चलिए राइट कीजिए सभी लोग राइट कीजिए। आलोक आप भी राइट कीजिए, अभिनय आप भी राइट कीजिए, प्रयांग सृष्टि तुषार परी राज सब लोग राइट कीजिए, अमन गुप्ता सभी लोग वीडियो ऑन रखिए अपना, रौनक आप भी ऑन रखिए। वीडियो ऑन रखिए सभी अपना। सभी लोग अपना जितने दिन से मेरी सारी तीन से लड़की बनाए आपके यहाँ सवाल आ रही माइक बंद कर रखी हो, हाँ हमने कहा ना सब लोग माइक बंद रखा तुम, जब बोलना हो तभी माइक ऑन रखते। हेलो राइट किए मैम राइट जल्दी राइट कीजिए।
सबका कंप्लीट हो गया बेटा। मैम कंप्लीट। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव डन। रौनक, अमन, राज, वीडियो ऑन कीजिए अपना। मैं वो रिमूव करने जा रही हूँ। मैम कंप्लीट है। डांस सृष्टि कंप्लीट हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। अगला पेज निकाल ओपन करती हूँ। अरे ध्यान दीजिए। मेरी डायरी, आपको आपकी डायरी का पेज है ये, ठीक है? किन्हीं दस विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए बातें जादू की विषय पर अपने अनुभव और विचार लिखें। तो आप लोग जादूगर के बारे में जानते होंगे ना सभी लोग? हाँ, अभिनव जी से बैठिए बेटा। चलिए बेटा, तो यहाँ पे अब जादूगर के विषय में आप लोग जानते होंगे, जादूगर कैसे आता है, जादू दिखाने। हाँ, किसी को अनुभव है इस चीज का? कभी आप लोगों ने जादूगर को? मैम हमने जादू देखा। जादूगर क्या क्या करता है इस पे अपने विचार को लिख के आप बताइए। जहाँ पर विशेषण शब्दों का प्रयोग ज्यादा हो, कम से कम जो है 10 विशेषण शब्द आए, ऐसे वाक्य आपको बताने हैं जिसमें 10 विशेषण शब्द आए जादू विषय पर। चलिए अभी सुनाइए। मैम रस्सी को मैम सांप बना देता है। 10 मैम रस्सी को सांप। 10 चीजें लिखना है आपको, उसके अनुभव को 10 चीज लिखना है आपको, विशेष शब्दों का प्रयोग करना है। ऐसे वाक्य लिखेंगे उसमें 10 विशेष शब्द आए पूरे पेज में। मैम रस्सी का सांप बना दिया। मैम कागज का खिलौना। 12 लाइन है आपके डायरी पेज में, डायरी वाली, इसमें आपको ले जाएंगे। 10 वाक्य लिखना है आपको, होमवर्क में करके लाना है। जैसे हम एक बता दे, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे है ना, कैसे लिखा जाएगा ध्यान से सुन लीजिए। जैसे जादू दिखाने वाला व्यक्ति बहुत कलाकार होता है, उसका जादुई खेल बहुत ही रोचक होता है। जादूगर अपने साथ शतरंगी वस्तुएं लेकर आता है, या देखने में बहुत अच्छा लगता है। जादूगर बड़े बड़े खेल दिखाते हैं। जादू का खेल देखने से बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे नहीं देख पाते हैं।
अच्छे तरीके से खाती है, फिर उदास हो जाती है, तजुर्बा छोटे वस्तु बड़ा बना देती है, ये अपने साथ सुंदर वस्तु लाते हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. और जो विशेषण शब्द वाले वाक्य है, शब्द है, उनके नीचे अंदर लाइन कर दीजिएगा। चलिए बताइए खुशी कैसे लिखोगी? मैम अभी बताइए आप क्या लाइक करोगी? अभी मैं आइडल अभी आप उसका जादू बहुत अच्छा है, मैं उसका जादू बहुत अच्छा है, उसका जादू देखने में पूरा गांव आता, मैम वो बहुत अच्छा जादू दिखाता मैम, और उसका जादू मैम देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं एयरटेल उसका जादू बहुत अद्भुत है मैम, अलादीन नाम का एक बहुत बड़ा जादूगर एक गांव में रहता था, वह एक छोटे से घर में रहता था, वह एक बड़े से घर में रहता था, उसने सोचा कि आज मैं अपने दोस्तों से दूसरे गांव में जाना चाहती हूँ, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आज अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वो अपने में पहुंचता है तभी उसे देखा उस गांव में बाढ़ आ गया है, तभी उसने मंत्र गिली गिली छू बन बन जाऊं एक दीवार, उन्हें के ऐसा बोले ही वहां पर दीवार बन गई। बहुत अच्छा, चलिए दृष्टि आप सुनाएंगी कुछ। दृष्टि बोलेंगे नहीं आप लोग, और किसको समझ में आ गया है? पीसी ऐसा शब्दों का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? आलोक समझ में आया बेटा? हाँ यस मैम। जादू दिखाने वाला व्यक्ति बहुत कलाकार होता है, एक वाक्य हो गया, इसमें कलाकार आपका हो गया, लाइन कर लोगे। उसके बाद जादुई खेल बहुत ही रोचक होता है, रोचक भी आपका विशेषण शब्द लाइन कर लोगे। जादूगर अपने साथ सतरंगी वस्तु लेकर आता है, सतरंगी भी आपका कर लोगे रोचक, है ना? इस तरह से वाक्यों को बनाते हुए आप राइट कर लीजिए, ठीक है? जादूगर बड़े खेल दिखाते हैं, जादू के खेल बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं, है ना?
आपका होमवर्क रहेगा ये, ठीक है? इसको होमवर्क में करके भेजिएगा आप। सभी लोग समझ गए हो? अभी आप सेशन आपका एंड होगा, उसके बाद आप इसको कंप्लीट करके भेजिएगा, ठीक है? आलो, समझ में आ रहा है? यस मैम। बेटा आप लोगों के स्कूल भी बहुत जल्दी खुल जाएगा, आप लोग अपना जो भी वर्क है कंप्लीट करते हैं, जो वर्क जितना पढ़ाया गया है उसे आज तक पढ़ाया जाएगा, उतना आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद बेटा और कोई प्रश्न नहीं है, इसको आप लोग करके भेज देंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, सब कुछ समझ में आ गया है ना? यस मैम। यस मैम। मतलब ज्ञान है। कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।